अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के? और इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम राइट नाउ, इवनिंग का हो रहा है इंडिया आउटस्कर्ट्स ऑफ सरगोधा। भाई मैं अभी चूँकि सफ़र में हूँ तो आई डिडंट गेट अ चांस टू डू अ लॉट ऑफ एडिटिंग या वीडियो, इस वीक मिस हो गई लेकिन आ रही है। कीप इन माइंड, मैं अभी बात करना चाह रहा था कि अभी एटलस होंडा ने एक बड़ी ही एक चीज़ निकाल दी जिसके बारे में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड दैट इज़ होंडा CB150F। बाइक के बारे में इनिशियल इम्प्रेशन में अगर आपको दूँ, मोटरसाइकिल के बारे में आई थिंक दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और वो जो एक कचरा मुसलसल निकाल निकाल के लोगों को परेशान किया हुआ था, डिज़ाइन वाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। और अगर मैं आपसे खारची या आर्ची की बात करूँ और दूसरी बाइक्स की जो आजकल आ रही हैं, तो फॉर अ प्राइस पॉइंट ऑफ 159,000, तकरीबन 160,000 के करीब, आई डोंट थिंक दैट दे हैव डन, आई थिंक कि ये बाइक वाकई सेल करेगी, बहुत ज़्यादा सेल करेगी। और इसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं, 149cc का जो इन्होंने इंजन इसके अंदर दे रखा है CB150F में, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। डिलक्स आई थी लेकिन डिलक्स में वो मज़ा नहीं था, जाहिर है फजूल सी ही थी। इसके अंदर बाकायदा दे हैव गॉन अ प्रॉपर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ मोर स्पोर्टियर लुक टू द मोटरसाइकिल। उसकी आप सीट देखें, इंजन की परफॉर्मेंस अभी तक देखने वाली है। एग्जॉस्ट बड़ा अच्छा उन्होंने दिया है, काफ़ी इट लुक्स रियली गुड और क्वालिटी बिल्ड लगती है। और किल स्विच भी है भाई उसमें, डिपर भी दे रखा है। जो दो फीचर्स मैं समझता था कि मिसिंग हैं होंडा, सॉरी अब तो होंडा चढ़ गया तो वन पे YBR के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली यामाहा ने अपनी YBZ के अंदर भी वो फीचर्स नहीं दी, तो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ लेट डाउन। लेकिन एटलस ने लगता है कि बिलाखिर सुना है कुछ कि हाँ भाई अब कुछ हो गया है, अब हम वो पुराना ड्रामा नहीं कर सकते कि बस एक ही कचरा स्टिकर चेंज कर करके निकाल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग और ओनली टाइम विल टेल। आई वॉज पर्सनली इम्प्रेस्ड बाय दिस स्टेप टेकन बाय एटलस होंडा। अभी देखना है कि ये किस तरह परफॉर्म करता है, ठीक है। फ्रंट पे उन्होंने डिस्क ब्रेक दिया है और एलॉय रिम्स भी दे दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं चूँकि अभी लाहौर में नहीं हूँ, आई एम कमिंग टू लाहौर, लाहौरी बाबू, इंशाल्लाह ऑन सैटरडे। तो होपफुली जो साथी चाहते हैं, आई एम गोना मीट यू गाइज ओवर देयर एज़ वेल। कुछ दीगर मीटिंग्स हैं जिसके बाद मैं फारिग होकर आप साथियों से मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। और आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू रावलपिंडी इस्लामाबाद, प्रॉबली मंडे या ट्यूसडे को। तो सी यू गाइज ओवर देयर। लेकिन एज एन इनिशियल इम्प्रेशन आप कहिए कि एलॉय रिम्स हैं। और अगर मैं पर्सनली आपसे कहूँ कि ऑल्दो के वो कचरा निकालते रहे हैं, लेकिन जो आजकल बाज़ चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स का रेप्लिका की एक बुरी लाइन लगी पड़ी है, इट ओनली रिमेंस टू बी सीन कि ये किस तरीके के ऊपर क्या क्वालिटी लेवल होगा एटलस की इस मोटरसाइकिल का। अगेन आई एम नॉट गोना कॉल इट अ होंडा मोटरसाइकिल, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग होंडा के साथ ब्रांड लॉयल्टी रखते हैं वो भी बाज़ औक़ात एटलस की इस किस्म की चीज़ों से चिढ़ गए हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस समथिंग, जो लोग समझते हैं कि मुझे कोई किसी किस्म का ख़ार है होंडा से, तो माय लास्ट मोटरसाइकिल वाज अ होंडा VFR 800, तो एंड आई लव दैट मोटरसाइकिल। द मोमेंट आप उसके अंदर जब भी बैठेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन जब पाकिस्तान आए बंदा और फिर देखेगा यार एक ही कचरा और कीमत बढ़ा के बेच रहा है, तो फिर आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इशू विद दिस थिंग। बट आई थिंक कि बिल आखिर जैसे टोयोटा ने एक ज़माने में देखा था कि मुसलसल वो करोला को स्टिकर चेंज कर करके दूसरे ममालिक में नहीं बेच सकते थे, नाउ होंडा इज़ कम टू अ रियलाइजेशन और उन्होंने एटलस वालों को कहा है कि भाई अब एक नई चीज़ मार्केट में दो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। टिल नेक्स्ट टाइम आई हैव गुड वीडियोज़ कमिंग फॉर यू गाइज, हो सकता है अगले चंद दिनों में आपको ये वीडियोज़ मिले, एंड यू गोना लाइक दिस वीडियोज़ फॉर श्योर, आई प्रॉमिस, ठीक है। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज़, और सी सम ऑफ यू गाइज इन लाहौर।